इंदौर में लगातार बढ़ते अपराधों के ग्राफ को लेकर शहर की पुलिस के साथ ही प्रदेश सरकार भी चिंता जता रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुंडे बदमाशों को चेतावनी देते हुए गुरुवार को कहा कि संभल जाओ, नहीं तो संभाल लिए जाओगे। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह इंदौर में बढ़ते अपराधों को लेकर भोपाल में वर्चुअल बैठक ली थी। इसमें इंदौर से कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सुबह इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शहर के राजेंद्र नगर क्षेत्र की टाउनशिप में ट्रेजर टाउनशिप मामले में बोल रहे थे। इस टाउनशिप में AWS के करीब 350 मकान बने हैं। गुंडागर्दी और शराबखोरी से परेशान यहां के रहवासी 5 साल में 40 बार शिकायत कर चुके हैं। सिस्टम से भी थक गए। 2.5 साल में कई परिवार घर छोड़कर यहां से चले गए हैं। कई लोग तैयारी में हैं और घर के बाहर घर बिकाऊ है के पर्चे लगा चुके हैं। वहां पर मैं कल ही इंदौर से आया हूं। इस विषय पर विस्तार से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है। इस विषय पर विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चर्चा करने वाले हैं। जहां तक मेरे संज्ञान की बात है, इसमें हमने जो संज्ञान लिया है उसमें बिल्डर ने अभी कॉलोनी को उन्हें समर्पित नहीं किया है और इस कारण से वहां पर कुछ बदमाशों की जानकारी आई थी, वहाँ पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। वहाँ अंधेरा और सफाई की समस्या थी, उसके लिए नगर निगम को माननीय मुख्यमंत्री जी हिदायत करने वाले ही हैं। और ये स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि वो जो लोग भी गुंडे हैं या बदमाश हैं जिनसे उन्हें डर है, उन गुंडों को मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि इस तरह की शिकायत अगर दोबारा आई तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। संभल जाए नहीं, संभाल दिए जाएंगे।